हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग इन बिजी लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल छोले इन अ वेरी इजी वे। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स छोले ले लिए हैं, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अब उसे बॉईल कर लेते हैं। इसे कुकर में बॉईल करने के लिए मैंने 2 तेज पत्ते दे दिया, 1 टी बैग जो कि अच्छा फ्लेवर और कलर लाएगा, 2 बड़ा कप पानी, 1 सिनेमन स्टिक और 1 चुटकी कुकिंग सोडा। अब इसे बॉईल कर लेते हैं। अब ग्रेवी बना लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए हमें 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। ऑयल गरम हो जाने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून जीरा और हींग दे देते हैं टेम्परिंग के लिए। जब ये स्प्लैटर करने लगे थोड़ा इसको हिला लेते हैं। अब इसमें 1 बड़ी कटी हुई अनियन ले लेते हैं। इसको अच्छे से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम में। अच्छे से मिला लेंगे ताकि इवनली कुक हो जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमें इसे बराबर हिलाना चाहिए। उसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज दे देते हैं। अब फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है ताकि ज्यादा कुक ना हो जाए। इवनली फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे हमें लो फ्लेम में फ्राई करना चाहिए। गोल्डन ब्राउन अप हो चुका है। अब इसमें हम 2 ग्रेटेड टोमेटो मिला देते हैं। आप चाहे तो इसमें टोमेटो प्यूरी भी दे सकते हैं। सॉल्ट हम 1 टीस्पून दे रहे हैं। हमने सॉल्ट छोले में बॉईल करने के लिए भी दिए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कम ही सॉल्ट देना है। अब इसमें हम छोले मसाले बना लेते हैं। छोले मसाले बनाने के लिए 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून चाट मसाला और 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर। अच्छा से मिला लेते हैं। अब उसे टोमेटो प्यूरी में टोमेटो का जो पेस्ट है उसमें अच्छा से मिला के डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं ताकि
वो मसाला जो है वो टोमेटो का और वो ग्रेवी का स्मूथ एक पेस्ट बन जाए। अभी इसमें मैंने ड्राई जीरा रोस्ट कर लिया है और उसे क्रश कर लिया है, ये मैं मिला देती हूँ। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसको कवर करके हमें लो फ्लेम में 2 या 2 से 3 मिनट हमें कुक कर लेना है। इन द मीन टाइम मैंने छोले और पानी अलग अलग कर लिया है, ये हमें नहीं चाहिए तो इसे मैंने अलग करके रख दिया। अभी मसाले अच्छे से कुक हो गया है, अभी छोले को उसमें डाल के अच्छा से मिला के लो फ्लेम में 2 या 3 मिनट्स तक होने देते हैं। अब इसमें छोले की जो पानी था जिसमें हमने उबाला था वो डाल देते हैं। जितना ग्रेवी हमें चाहिए उतना ही हम मिलाएंगे और 2 या 3 मिनट्स तक उसे अच्छी तरह से कुक होने देना है। तो ये रहा हमारा छोले, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। इसे हम कोरिएंडर और जूलियन कट हुआ अदरक से इसे गार्निश कर लेना है। ये बहुत ही इजी है और कोई लर्नर इसे घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उसी से बना सकते हैं।